नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब पोर्टल के ऑफिशियल यूट्यूब वीडियो चैनल पे, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी खबरें मिलती है। सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ दिनों पहले रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर अकाउंट में एक पोस्ट किया था। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपसे उनकी ट्विटर पोस्ट शेयर की है, जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि 90,000 के स्थान पर अब रेलवे 1,10,000 जॉब ऑफर करेगा, जिसमें 9,000 पोस्टें आरपीएफ की है तथा L1 और L2 पोस्ट के लिए 10,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को आरंभ करेगा दिसंबर से पहले पहले। वेल दोस्तों, रेलवे ने अभी कुछ महीनों पहले RRB ALP और ग्रुप डी की वैकेंसीज निकाली थी, जिसके कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जा चुकी है अभी, और कुछ दिनों में इसका एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं न्यू वैकेंसीज़ की। तो इसमें रेलवे अभी बहुत ही जल्द RPF टिकट कलेक्टर और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड की भर्ती जल्द ही जल्द निकालने वाला है। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, जो कि रेलवे ने अभी कुछ दिनों पहले रिलीज़ किया था इसको अपने ट्विटर अकाउंट पे। इस फोटो में दोस्तों रेलवे ने साफ जाहिर किया है कि अब 90,000 की जगह 1,10,000 वैकेंसियाँ निकलेगी, जिसमें कि RPF, RPSF और L1 L2 में 10,000 से ज़्यादा भर्तियाँ निकलेगी। दोस्तों, यहाँ L1 और L2 से मतलब है, L1 का मतलब होता है ग्रुप डी से और L2 का मतलब होता है ग्रुप सी से। L1 में ग्रुप डी की वैकेंसीज होती है, इसके अलावा क्लर्क की होती है। और जहाँ पे बात करते हैं L2 की, तो L2 में दोस्तों जैसे कि ALP टेक्नीशियंस आदि पोस्टें आती है। तो दोस्तों, अभी अगर बात की जाए कि L1 या L2 में से किस में ज़्यादा वैकेंसीज डिक्लेयर करेगा रेलवे, तो दोस्तों मेरे हिसाब से और जहाँ तक सूत्रों से मालूम हो रहा है, L2 फेज में ज़्यादा वैकेंसियाँ रेलवे जारी करेगा। तो L2 में दोस्तों टिकट कलेक्टर गुड्स कार्ड्स की वैकेंसीज आती है। तो दोस्तों अभी आप तैयार हो जाइए, क्योंकि गुड्स कार्ड्स और टिकट कलेक्टर की पोस्ट जल्दी जल्द रेलवे डिक्लेयर करने वाला है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें।